आरपी ने पत्रकार के कपड़े उतारे और बुरी तरह से पीटा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में पत्रकार को एसएचओ राकेश कुमार के नेतृत्व में जीआरपी कर्मियों के एक समूह ने पीटा। समूह को बार बार थप्पड़ मारते और पत्रकार को पीटते हुए देखा, जबकि वह उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा। बाद में पत्रकार ने आरोप लगाया कि उस पर अत्याचार किया गया। एक समाचार चैनल से जुड़े पत्रकार ने कहा, वे सादे कपड़ों में थे, एक ने मेरे कैमरे को मारा और वह गिर गया। जब मैंने उसे उठाया तो उन्होंने मुझे गालियां दी, मुझे बंद कर दिया गया। मंगलवार रात को धीमानपुरा में ट्रेन के पटरी से उतरने पर पत्रकार की कथित रूप से पिटाई की गई। शामली में पत्रकार को कथित तौर पर राजकीय रेलवे पुलिस को स्टेशन में घसीटा गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उन्हें रात के लिए हिरासत में रखा गया, जबकि बुधवार सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया। ट्विटर पर एक वीडियो में पत्रकार को सलाखों के पीछे देखा जा सकता है, जबकि स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ राकेश कुमार बाहर एक कुर्सी पर बैठे हैं। एसएचओ राकेश कुमार और कांस्टेबल सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया है और उनके कार्यों के लिए पुलिस लाइंस भेजा गया है। यह एक दिन बाद की घटना है जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रकार प्रशांत कनौजिया को सीएम योगी आदित्यनाथ पर ट्वीट पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया। नेशन भारत के न्यूज रूम से मैं कात्यायनी मिश्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।